कुमराट के आबशार से निकल आए हैं और अभी जा रहे हैं हम काला चश्मा की तरफ। काला चश्मा भी यहाँ से इस तरह सुन रहे हैं कि आधा घंटा एक घंटे का रास्ता है, लेकिन अभी देखते हैं कितनी टाइम में पहुँचते। यहाँ का तो आधा घंटा बताया था, तकरीबन घंटा डेढ़ में पहुँचे हैं बाइक्स पे। तो बस अभी चलते हैं काला चश्मा की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना नया ब्लॉग। On the way to Kala Chashma and look at the way, क्या ख़राब रास्ता है सनम। बस क्या करें यार, रास्ता ख़राब है लेकिन नज़ारे ऐसे है कि लोगों को अपनी तरफ खींच लाते हैं। ये देखे इन रास्तों को हमने भी देखा है इंटरनेट पे वीडियोज़ में, लेकिन सब्र नहीं होती, खींचे चले जा रहे हैं। काला चश्मा के रास्ते पर वाह क्या जबरदस्त व्यू मिला है, दो दरिया आपस में मिलते हुए सनम। गप लगा रहा हूँ, ये देखो नया क्या जबरदस्त व्यू है। वाह रास्ता बहुत ख़राब है, अकील और फहद को छोड़ दिया और मैं और मामू बाइक पर आ गए, उनको कहा तुम लोग पीछे चले जाओ, बस हम वापस आ रहे हैं, काला चश्मा कैप्चर कर रहे फिर वापस आ रहे हैं। चलो मामू चल, तो चलो 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 बहुत ज़बरदस्त व्यू है, लेकिन यार रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब, आपके सोच से भी ज़्यादा ख़राब है। ये देखिए ना यार, बस ये तो एक कल रात को बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है, तो
तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन बस क्या कहे यार। ये मेरे ख्याल से काला चश्मे के इलाके में एंटर हो गए हैं। ये इलाका इस तरह काला काला सा लगता है, काला चश्मा मुझे नज़दीक दिखाई दे रहा है। तो बस अभी चलते हैं, बस वहाँ ही बात करेंगे क्योंकि टाइम लेट है और फिर रात हो जाएगी तो फिर कुछ दिखाई भी नहीं देगा। तो ये हम जना पहुँच गए हैं काला चश्मा, और आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि काला चश्मा क्या चीज़ है। ये देखिए, ये है काला चश्मा। इसका पानी काला है क्या सफेद है? काला, ये काला है, वो दूसरा सफेद है। नहीं, ये पानी ही काला है कि नहीं, नीचे पानी पर... है। एक मिनट, यार तो ये है काला चश्मा, माशाल्लाह। ये नहीं मामू, इधर से देखो बिल्कुल काला है। तो ये उधर से चश्मे का पानी इधर डायरेक्टली फिर आता है। तो ये है जनाब काला चश्मा, और इधर से पानी हो के फिर वो सफ़ेद पानी के साथ मिलता है। काला पानी है यहाँ ये, और ये काला पानी उधर जाके फिर वो सफ़ेद पानी से मिलता है। और अभी आपको बाकी सारा व्यू दिखाते हैं। सूरत जो है बेसिकली नीचे ये पत्थर जो है ना, ये काले हैं, इसलिए ये पानी जो है काला दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको काला चश्मा बोल रहे हैं। हाय, मज़े मज़े, बस व्यू एंजॉय करें। व्यू खूबसूरत है, ज़बरदस्त। अभी ये काला पानी इधर से जाके वो सफ़ेद पानी के साथ मिलता है, और बस ये खूबसूरत व्यू बना रहे हैं। ये काला चश्मा का बेसिकली ये व्यू इतना खूबसूरत है कि यहाँ इसलिए लोग आ रहे। काला चश्मा में कुछ नहीं है, चश्मा वश्मा नहीं है ये वैसे ही, लेकिन यहाँ का व्यू बड़ा ज़बरदस्त है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसलिए यहाँ पर लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए। वो छोटा सा चश्मा था, बस नीचे पत्थर काले थे, लेकिन यहाँ का व्यू खूबसूरत है, इस व्यू के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और इन भाइयों ने हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त प्रैंक भी किया है इन लोगों को। हाँ, इन्होंने हमारे साथ प्रैंक किया है बड़ा ज़बरदस्त, फिर बताएंगे। चलो ब्यूटीफुल इवेंट। तो ये है जनाब द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ काला चश्मा। तो बस इस व्यू को कैप्चर करने के लिए हमने इतनी मेहनत की थी, और इतनी दूर से और इतने ख़राब रास्ते से आए हैं। ये यहाँ पर छोटे छोटे होटल भी मौजूद है, यहाँ पर दरिया के किनारे पर सारा कुर्सी मुर्सी लगा हुआ है, और मामू भी तस्वीरें ले रहा है, मैं भी ले रहा हूँ, कैप्चर कर रहे हैं सारा कुछ। जल्दी जल्दी फिर तैयार हो जाएगा। ओह, सर्दी तो बहुत ज़्यादा है, और तक भी बहुत गया, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो बस ये था जनाब काला चश्मा का खूबसूरत सा व्यू। व्यू बड़ा ज़बरदस्त है, चश्मा वश्मा कुछ नहीं है, लेकिन व्यू बड़ा ज़बरदस्त है। तो बस यही था काला चश्मा, और इधर ही अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।